तो गाइज आज हमारे पास है फैंटेक के ओमनी MH83। ये फैंटेक की तरफ से एक बजट हेडफोन्स है जिसमें RGB का सपोर्ट है और आप इसको अपने स्मार्टफोन और PC दोनों के साथ यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन हेडफोन्स को अनबॉक्स करेंगे और वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ इसके बारे में। ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको ये हेडफोन्स लेने चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखो एंड नाउ लेट्स बिगिन। रिसेंटली पाकिस्तान में फैंटेक काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इनका एक प्रोडक्ट ट्राई करूं। तो दराज पे मुझे इनके ये हेडफोन्स नज़र आए और मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको मंगवा के टेस्ट करूं, इनकी साउंड क्वालिटी को, इनकी बिल्ड क्वालिटी को। मुझे थोड़ा टाइम हो गया इनको मंगवाए हुए, लेकिन स्क्रीन पे मैं आपको अपडेटेड प्राइस दिखा दूंगा। वैसे मुझे ये 3600 रुपीज़ के पड़े हैं और इस प्राइस रेंज में यूजुअली स्मार्टफोन्स के लिए अच्छे हेडफोन्स नहीं मिलते। ब्लडी की तरफ से काफ़ी अच्छे हेडफोन्स आते हैं लेकिन वो PC कंपैटिबल है, स्मार्टफोन कंपैटिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपना बजट 5000 तक इंक्रीज़ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे हेडफोन्स मिल जाते हैं। और ऐसे ही एक हेडफोन्स के बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इसका काफ़ी सिंपल सा है। बॉक्स के ऊपर आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स मिल जाती हैं और बॉक्स कंटेंट भी काफ़ी सिंपल से हैं। आपको आपका हेडफोन मिल जाता है, एक यूज़र मैनुअल और एक अडैप्टर। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। हेडफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेनली प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिल रही है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी बड़े एयर कप्स है और इनके ऊपर जो पैडिंग हुई है वो भी मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। उसके अलावा इनके हेड रेस्ट पे आपको फैंटेक की ब्रांडिंग मिल जाती है और एयर कप्स की बात करें तो इनके बाहर वाली साइड पे आपको फैंटेक का लोगो मिल जाता है, जो कि सरप्राइजिंगली हमारे चैनल के लोगो से काफ़ी सिमिलर है। लेकिन ये एक RGB लोगो है तो जब आप इसको अपने PC में प्लग करोगे यहाँ पे RGB लाइटिंग भी ऑन होगी। आपको यहाँ पे एक 2.1 मीटर्स की ब्रेडेड केबल मिलती है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। साथ में आपको एक कंट्रोलर भी मिल जाता है जिसमें आपको माइक म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको एक USB टाइप ए पोर्ट मिलता है जिसको आप अपने PC से कनेक्ट कर सकते हो और इसका फंक्शन ये है कि ये आपके RGB लाइट्स को पावर करेगा। तो आप इसको अपने फ़ोन के चार्जर में भी प्लग कर सकते हो RGB लाइट्स को ऑन करने के लिए। लेकिन साउंड के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल 3.5mm जैक मिलता है जिसको आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो, तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन अगर आपको इसको अपने PC से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको एक अडैप्टर मिल जाता है और यूजुअली PC में दो पोर्ट्स होते हैं, माइक के लिए और हेडफोन के लिए। तो कुछ इस तरह से आप अपने हेडफोन्स जो है अपने PC से भी कनेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। कुशन्स मुझे काफ़ी सॉफ्ट लगे हेडरेस्ट के भी और एयर कप्स के भी। साथ में आपको लेफ्ट और राइट की ब्रांडिंग भी मिल जाती है और ओवरऑल हेडफोन्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे टचेज हैं जो इसको ओवरऑल जो गेमिंग वाइब है वो देती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन हेडफोन्स के साउंड क्वालिटी के बारे में, जो कि किसी भी हेडफोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको एक 50mm का ड्राइवर मिल रहा है और जो स्पीकर की सेंसिटिविटी है वो अराउंड 108 डेसिबल्स है। माइक्रोफोन की बात करें तो यहाँ पे आपको -42 डेसिबल्स की यहाँ पे सेंसिटिविटी मिलती है और ये एक ओमनीडायरेक्शनल माइक्रोफोन है। साथ में यहाँ पे आपको नॉइस कैंसलेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो आगे मैं आपको एक माइक्रोफोन साउंडिंग टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करें साउंड के बारे में तो ऑनेस्टली बताऊँ मुझे इसकी जो साउंड है वो ज़्यादा पसंद नहीं आई। आई मीन फॉर द प्राइस आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने A4 टेक के काफ़ी सारे हेडफोन्स यूज़ किए हैं जो कि 1000 से लेकर 1500 की रेंज तक आते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। सो इस प्राइस रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो साउंड क्वालिटी वाइज आपको एक टिनी इफेक्ट मिलता है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट ओवरऑल आपको काफ़ी डिसेंट साउंड क्वालिटी मिल जाती है। और अगर आपने अच्छे हेडफोन्स नहीं यूज़ किए तो शायद आपको ये चीज़ नोटिस भी नहीं होगी। लाउडनेस की बात करें तो काफ़ी लाउड साउंड आती है इनमें से, और अगर आप इसको गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आपको आराम से फुटस्टेप्स और गन शॉट सुनाई देंगे। सो गेमिंग के लिए आई थिंक ये परफेक्ट होने वाले हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा म्यूज़िक देखते हो या इसको मूवीज़ देखने के लिए लेना चाहते हो, सो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी और हेडफोन्स की तरफ जाओ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, मैं एक और हेडफोन का रिव्यू लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। सो मेक श्योर कि आप उसके लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। माइक्रोफोन के बारे में बात करें तो अभी मैं आपको एक ऑडियो सैम्पल सुनाता हूँ इसका। तो ये ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फैंटेक के हेडफोन से, और अगर आप इन हेडफोन का माइक्रोफोन यूज़ करोगे तो आपको कुछ सिमिलर साउंड क्वालिटी मिल सकती है। डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं और कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा मैं, तो आपको अनएडिटेड ऑडियो सुनाई दे रही है अभी। अब इसके बाद दोस्तों कंफर्ट के बारे में बात करें तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अगर आपके हेडफोन्स कंफर्टेबल नहीं है तो चाहे जितनी भी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिले आप अपने हेडफोन्स को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये हेडफोन्स काफ़ी अच्छे हैं और मैंने इनको काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, गेमिंग की है, इनके ऊपर मूवीज़ देखी है, और आप आराम से 2-3 घंटों तक इनको पहन सकते हो, आपको कोई भी पेन नहीं होगा। तो ये बात इन हेडफोन्स के बारे में मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और अगर आप 2-3 घंटों तक किसी हेडफोन को पहन सकते हो तो समझ लो कि ये काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं। प्लस इनका डिज़ाइन भी ऐसा है कि आपके एयर्स के ऊपर पूरे तरह से आ जाते हैं, तो ये ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं
जिसकी वजह से जो है आपको एयर पे पेन नहीं होता। 50mm के बड़े ड्राइवर्स हैं और जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया, यहाँ पे जो कुशन यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और कंफर्ट वाइज बात करें तो आप इनको एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली पहन सकते हो, आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। तो अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो ये हेडफोन्स काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो कुशनिंग यूज़ की गई है वो रैक्सीन से बनी है, तो यूजुअली समर के टाइम पे ये काफ़ी गर्म हो जाते हैं तो आपको हीट ज़रूर फील होगी, और अगर आप ज़्यादा देर तक इनको पहनोगे तो आपके कान वाला जो एरिया है वो गर्म हो सकता है। बट अदर देन डैट मुझे कम्फर्ट वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। दोस्तों ओवरऑल बात करते हैं कि क्या आपको ये हेडफोन्स लेने चाहिए या नहीं, और सिर्फ इन हेडफोन्स की बात नहीं कर रहा मैं, फैनटेक के सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कंपनी सिमिलर प्राइस में जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके बस डिज़ाइन को चेंज करती है, लेकिन ओवरऑल जो आपको साउंड क्वालिटी मिलती है, कंफर्ट मिलती है, वो सेम रहने वाली है। तो आई एम एज्यूमिंग कि 3000 से लेके 4000 तक फैनटेक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको सिमिलर साउंड क्वालिटी और सिमिलर कंफर्ट लेवल मिलेगा, बस डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन हेडफोन्स को गेमिंग के लिए लेना चाहते हो, जो कि मेजॉरिटी लोग गेमिंग के लिए लेंगे क्योंकि ये गेमर्स को टारगेट कर रहे हैं, आप डेफिनेटली इनकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में यूजुअली आपको अच्छे हेडफोन्स नहीं मिलते जिनको आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सको और जिसमें माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों काम करें। तो आप गेमिंग के लिए डेफिनेटली इनको ले सकते हो। साउंड क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, तो आपको फुटस्टेप्स और गनशॉट आराम से सुनाई देंगे। लेकिन अगेन अगर आप ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी और हेडफोन की तरफ जाओ। तो दोस्तों ये था मेरा एक शॉर्ट रिव्यू फैनटेक ओमनी MH83 हेडफोन्स का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।